पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दूसरी बार दुल्हा बनने जा रहे हैं। कल जैसे ही उनकी शादी की खबरें सामने आईं तो सभी को गहरा झटका लगा। रिपोर्ट के मुताबिक आज वो अपने चंडीगढ़ सीएम हाउस में डॉक्टर गुरप्रीत कौर से दूसरी शादी करेंगे। 48 साल के भगवंत मान ने साल 2015 में अपनी पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर को तलाक दे दिया था। पहली शादी से उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनकी बेटी सीरत 21 साल की और बेटा दिलशान 17 वर्ष का है। तलाक के बाद सीएम की पहली पत्नी अपने बच्चों के साथ अमेरिका चली गई। हालांकि वो मान के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। चलिए आपको इस पैकेज में बताते हैं कि कौन है सीएम भगवंत मान की होने वाली दुल्हनिया और उन्होंने पहली पत्नी को क्यों तलाक दिया। कौन है डॉक्टर गुरप्रीत कौर जिसे भगवंत मान करने जा रहे हैं दूसरी शादी? सीएम भगवंत मान की होने वाली दुल्हनिया हरियाणा के पेहोवा की रहने वाली हैं। वो तीन बहनें हैं। गुरप्रीत ने साल 2013 में अंबाला के मौलाना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और साल 2017 में अपनी डॉक्टरी पढ़ाई पूरी की। साल 2019 में वो सीएम भगवंत मान से मिली। उस वक्त मान साहिब संगरूर से लोकसभा सांसद थे। इसके बाद वो सीएम मान के विशेष कार्यक्रमों में शामिल होती रहीं। सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो मौजूद थीं। गुरप्रीत कौर के पड़ोसियों ने मीडिया को बताया कि उन्हें प्यार से गोपी कहा जाता है और वो एक दयालु, देखभाल करने वाली बुद्धिमान लड़की हैं। पड़ोस की कई युवतियों ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि गोपी दीदी की शादी हो रही है और वो भी मुख्यमंत्री से। माँ और बहन की पसंद है डॉक्टर गुरप्रीत कौर। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर गुरप्रीत कौर को सीएम मान के लिए उनकी माँ और बहन ने चुना है। गुरप्रीत कौर की भगवंत मान की बहन मनप्रीत कौर से अच्छी बॉन्डिंग है। उनका परिवार में पहले से आना जाना था। दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं। मान की माँ हरपाल कौर और बहन मनप्रीत कौर ने ही ये रिश्ता तय किया। परिवार के कहने पर सीएम मान शादी के लिए तैयार हुए। भगवंत मान ने क्यों दिया पहली पत्नी को तलाक? जैसे कि सब जानते हैं कि भगवंत मान पंजाब के फेमस कॉमेडियन रह चुके हैं। उन्होंने पहली शादी इंद्रप्रीत कौर से की। साल 2012 में वो राजनीति में आए और उन्होंने मनप्रीत बादल की पंजाब पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। 2012 में उन्होंने लेहरा गागा से चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। फिर 2014 में वो आम आदमी पार्टी से जुड़े। उन्हें संगरूर से टिकट मिला। उस वक्त उनकी पत्नी इंद्रप्रीत ने भी प्रचार किया था। हालांकि सांसद बनने के बाद उनकी अपनी पत्नी से रिश्ते खराब हो गए। इस बारे में खुद मान साहिब ने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वो अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे। अपने तलाक पर भगवंत मान ने कहा कि उन्हें परिवार या पंजाब में से किसी एक को चुनना था और उन्होंने पंजाब को चुना। इस बारे में पंजाबी में उन्होंने कहा था, जो लटकियां से चिरा तो वो हल हो गया, कोर्ट च एह फैसला कल हो गया, एक पासे से परिवार दूजे पासे से परिवार, मैं ता यारो पंजाब दे वल हो गया। यानी लंबे वक्त से लंबित मुद्दा हल हो गया। कोर्ट ने इसका फैसला कर दिया। मुझे दो परिवारों में से किसी एक को चुनना था, मैंने पंजाब को चुन लिया। इसी के साथ उन्होंने अपनी पहली पत्नी की तारीफ भी की थी कि उन्होंने उनके दोनों बच्चों बेटे दिलशान और बेटी सीरत की अच्छे ढंग से परवरिश की। बता दें कि भगवंत मान की शादी में 20 से 25 लोग शामिल होंगे। चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम की होने वाली दुल्हनिया ने शादी की खुशी जाहिर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर कर लिखा, दिन शगना द चढ़िया। इस तस्वीर में उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।